हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे एक कन्फ्लिक्ट के बारे में, जो कि एक अफ्रीका की कंट्री है यूथोपिया, उसके अंदर ही ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है। वहाँ पे एक रीजन है जिसको टिग्रे रीजन के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल फ्रंट है टिग्रे रीजन का, उसका बेसिकली जो यूथोपिया की सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट जो है, उसके साथ में ये कन्फ्लिक्ट है। तो इसके क्या रीजन्स हैं, क्यों ये कन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में हो रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यूथोपिया है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ ग्लोबल मैप पे देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है जिसके राइट साइड में अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है जिसके एक साइड में पैसिफिक ओशन है और दूसरी साइड में अटलांटिक ओशन है। और इसके यहाँ पे ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो आप ये रेड शेडेड रीजन देख रहे हैं, ये बेसिकली है यूथोपिया कंट्री जिसके राइट साइड में इंडियन ओशियन है और इसके ऊपर यहाँ पे एशिया है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। और जो यूथोपिया है इसके कई सारी नेबरिंग कंट्रीज, जैसे कि यहाँ पे नीचे कीनिया लगता है, राइट साइड में इधर सोमालिया है, इसके ऊपर में इरेट्रिया है और इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड में सूडान और साउथ सूडान कंट्रीज हैं। और यहाँ पे ये जो रीजन है ये बेसिकली रेड सी है और ये वाला जो रीजन है गल्फ ऑफ अडेन के नाम से इसको जाना जाता है। सो जो यूथोपिया है जिसकी कैपिटल बेसिकली एडिस अबाबा है, अगर यहाँ की पॉपुलेशन की हम बात करें तो यहाँ पर मेनली तीन टाइप की एथनिसिटीज़ पाई जाती हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो रेड कलर में जो रीजन देख रहे हैं इसको टिग्रे रीजन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको टिग्रे पीपल बोलते हैं, जो बेसिकली इथियोपिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 6% जो है वो इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। उसके अलावा एक और एथनिसिटी पाई जाती है यहाँ पे जिसको ओरोमोस बोलते हैं, ठीक है। ओरोमोस जो है यहाँ की इथियोपिया की जो टोटल पॉपुलेशन उसको सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट इनके द्वारा ही किया जाता है, अराउंड 34% जो है इनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। उसके अलावा एक और एथनिसिटी वहाँ पे पाई जाती है जिसको अमहाराज बोलते हैं। तो अमहाराज के जो लोग हैं उनके द्वारा अराउंड 27% जो इथियोपिया की पॉपुलेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और अभी रिसेंटली हुआ क्या कि जैसे अभी जो इथियोपिया है इसके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एबी अहमद, उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया कि जो टिग्रे पीपल हैं या टिग्रेयन जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा एक नेशनल मिलिट्री बेस था यूथोपिया का, उसको डिस्ट्रॉय किया गया था, उस पर अटैक किया गया था। उसके रेस्पॉन्स में ही जो यूथोपिया की सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा मिलिट्री ट्रूप्स को इस रीजन में टिग्रे रीजन में भेजा गया था, यहाँ पे जिसकी कैपिटल मकेले है। तो यहाँ पे बेसिकली जो टिग्रे पीपल हैं जिसको कि TPLF टिग्रेयन पीपल्स लिबरेशन फ्रंट जो है उसके द्वारा इसको लेड किया जाता है, गवर्न किया जाता है, उनका यहाँ पे बेसिकली एक वेपनरी बेस था जिसको जो यूथोपिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिलिट्री थी, मिलिट्री ट्रूप्स जो थे उनके द्वारा उस बेस को डिस्ट्रॉय किया गया था। अब यहाँ पे उसके रेस्पॉन्स में होता क्या है कि कई दिन बाद ये सारा जो इंसिडेंट था ये बेसिकली नवंबर के स्टार्टिंग में हुआ था, और उसके कई दिन बाद में क्या होता है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन ए नाइफ एंड मैसेट अटैक, मतलब कि चाकू हथियार के वॉर में हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड। जो ये रीजन है यहाँ पे एक रीजन है बेसिकली एक टाउन है जिसका नाम है माई कादरा, उस रीजन में ये इंसिडेंट हो, और ये जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि सैकड़ों लोगों की डेथ हो गई थी, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके बारे में कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है किसके द्वारा ये अटैक किया गया था। बट हालांकि लास्ट सैटरडे को ही जो टिग्रे पीपल हैं या फिर जो टिग्रेन फोर्सेज हैं उनके द्वारा एक मिसाइल को फायर किया गया था जो इरेट्रिया है, यहाँ पे ये जो ऊपर कंट्री है जो कि रेड सी के जस्ट पास में है, इस कंट्री में एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट को टारगेट करते हुए इस मिसाइल को यहाँ पे फायर किया गया था। यहाँ पे बेसिकली जो टिग्रे पीपल है उनका मानना ये था कि जो इरेट्रिया थी उसके द्वारा ही जो भी ट्रूप्स मिलिट्री के जो ट्रूप्स थे या फिर टैंक्स जो थे जो बेसिकली टिग्रे रीजन के बॉर्डर पर भेजे गए थे, यहाँ पर जो ये मकेले कैपिटल थी जिसमें कि बेसिकली एक वेपनरी जो बेस था उसको डिस्ट्रॉय किया गया था, तो वो जो ट्रूप्स थे वो बेसिकली इरेट्रिया के द्वारा भेजे गए थे इथियोपिया गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो इस वजह से ही जो टिग्रे का पीपल जो हैं या फिर टिग्रियंस जो हैं उन सब के द्वारा बेसिकली एक मिसाइल को यहाँ पे फायर किया गया था इरेट्रिया पे, तो जिसकी वजह से बेसिकली ये कन्फ्लिक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और जो यूथोपिया के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एबी अहमद, उनके द्वारा भी रिसेंटली ये भी बोला गया कि जो टिग्रे रीजन है या फिर टिग्रे पीपल्स जो हैं उन सब पे यहाँ बेसिकली जो भी टिग्रे रीजन में मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं वो सारे मिलिट्री ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखा जाएगा जिससे कि जो सिविल कन्फ्लिक्ट वो ज़्यादा ना बढ़ पाए। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जैसे सिविल कन्फ्लिक्ट जो वहाँ पर मतलब कि काफ़ी हज़ारों लोगों की डेथ हो चुकी है और काफ़ी हजारों लोग जो हैं वहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है टिग्रे रीजन में जो इथियोपिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा लगाए जा रहे हैं, टिग्रे रीजन जिसको कि TPLF के द्वारा।
रूल किया जाता है। TPLF मतलब कि टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, जो कि एक मिलिट्रिया टर्न पार्टी है, जिसके लीडर थे मेलेस जेनावी, जिनके द्वारा एक 1991 में, 1991 में इंट्रीम प्रेसिडेंट की पावर भी उनके द्वारा ली गई थी, और 1995 में वो फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो 1991 में जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी इथोपिया में, उसको एंड करने के लिए इनके द्वारा, जो टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट थी, इनके द्वारा काफ़ी अच्छा एक कॉलिजन किया गया था, जिसकी हेल्प से ही जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी 1991 में, उसको एंड किया गया था। तो मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो जो TPLF के लीडर थे मेलेस जेनावी, उनको बेसिकली जो इथोपिया की जो एथनो फेडरल सिस्टम है उसके आर्किटेक्ट के रूप में देखा जाता था, और वो 2012 तक पावर में थे यूथोपिया में, और उसके बाद में वो पावर से हट गए थे। अब यहाँ पे इसके पीछे भी कई सारे रीजंस माने जा सकते हैं कि जो ये करंटली कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। अगर हम उनकी बारे में बात करें तो जैसे यूथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, जिनके द्वारा 2018 में, मतलब 2018 के अप्रैल मंथ से जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने, उनके द्वारा कई सारे स्टेप्स ऐसे लिए गए थे, जैसे कि पॉलिटिकल अपोजिशन जो थी उन सबके साथ में समझौते वगैरह करना, इरिट्रिया जो थी उसके साथ में पीस डील साइन की गई थी यहाँ पे, और जो भी मीडिया पे कर्ब्स लगाए गए थे उन सबको भी लिफ्ट किया गया था। तो इन सब की वजह से ही बेसिकली उनको 2019 में, 2019 में उनको एक नोबल पीस प्राइज भी दिया गया था। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही उनके द्वारा इरिट्रिया के साथ में पीस डील साइन की गई थी, तो जो इथोपिया और इरिट्रिया थी वो दोनों फ्रेंड्स बन गए थे, और जो TPLF है वो इरिट्रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये दोनों जो हैं, इरिट्रिया और TPLF, मतलब टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट जो है, टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के स्वर्न एनिमी हैं, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे बॉर्डर कन्फ्लिक्ट वगैरह चलते रहते हैं। तो इस वजह से जो ये स्टेप थी इरिट्रिया के साथ में पीस करने की, ये बेसिकली TPLF को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर थे अबी अहमद, उनके द्वारा और स्टेप्स लिए गए थे, जैसे कि जो भी सीनियर गवर्नमेंट की पोजीशंस थी उन सब से जो TPLF के लोग थे, मतलब टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के जो लोग थे, उन सबको भी हटा दिया गया था। मतलब जिससे कि जो गवर्नमेंट की जो मेन पावर थी वो इनके पास में, TPLF के पास में कंसनट्रेट ना रहे। अब यहाँ पे उनके द्वारा एक और नया कॉलिजन बनाया गया था, जिसको कि प्रॉस्पेरिटी पार्टी के कॉलिजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसमें कई सारी पार्टीज, मतलब कि यूथोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसको EPRDF के नाम से जानते हैं, जिसमें कई सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कि अमहारा की डेमोक्रेटिक पार्टी, ओरोमोस की डेमोक्रेटिक पार्टी, सदर्न इथोपियन पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और ये सारे जो लोग हैं इन सब से मिलके एक यूथोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया गया, जिसको कि एक नया कॉलिजन के हेल्प से, जिसको नाम दिया गया प्रॉस्पेरिटी पार्टी, एक नया कॉलिजन एबी अहमद के द्वारा बनाया गया था। इस कॉलिजन में मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो TPLF जो थी उसको कम्प्लीटली एक्सक्लूड किया गया था इसमें, उसका कोई यहाँ पे कोई भी मेंबर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में होने लगा था। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली, जैसे कि अगस्त मंथ में जो जनरल इलेक्शन थे, वो यूथोपिया में फेडरल गवर्नमेंट के जनरल इलेक्शन थे, वो होने वाले थे, बट अभी उनको 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था कोरोना वायरस या COVID-19 पैंडेमिक की वजह से, जिससे कि बेसिकली जो टिग्रे पीपल जो थे, फिर टिग्रे TPLF के जो पॉलिटिशियन थे, उन सब के द्वारा यहाँ पे जो इथोपिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट जो थी, उसको अक्यूज़ किया गया कि वो वहाँ पे पावर ग्रैब कर रही है, जिससे कि कुछ और टाइम तक वो अपने पावर में रह सके, और इलेक्शंस को इस वजह से बेसिकली वहाँ पे पोस्टपोन किया जा रहा है। और इसके बावजूद सितंबर मंथ में ही जो टिग्रे रीजन है, वहाँ पे जो टिग्रे पॉलिटिशियन जो थे, उन सब के द्वारा उस रीजन में गवर्नमेंट को डिफाई करके उस रीजन में बेसिकली इलेक्शंस कराए गए थे। तो इसकी वजह से जो इथोपिया की सेंट्रल गवर्नमेंट थी और जो टिग्रे रीजन जो था, इन दोनों के बीच में काफ़ी भारी कन्फ्लिक्ट हो गया था। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टिग्रे पीपल्स या फिर TPLF जिसको हम बोलते हैं, जिसको कि बेसिकली TPLF के द्वारा रूल किया जाता है टिग्रे रीजन को, उसके और जो इथोपिया है इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट के बारे में, क्या कन्फ्लिक्ट था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।